अस्सलाम वालेकुम गाइस, सब क्या रहे होंगे। आज हमारे पास आया है हिनो का अल्टीमेटर, भी कहते हैं इसको और जनरेटर भी कहते हैं। गाइस ये काम नहीं कर रहा, ये बत्ती नहीं जला रहा था, इसकी कोयल जो है ना वो काम नहीं कर रही थी। जो इसका मैग्नेट बनाती है ना कोयल, वो काम नहीं कर रही थी। चेक करते हैं, इसको खोलते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। चलिए गाइस खोलते हैं, अब इसको देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। हाँ, और गाइस अगर आप इस वीडियो पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आगे मज़ीद आपको और वीडियो मिलती रहेंगी। ये गाइस चेक करें, ये हमारा जनरेटर खुल गया और मोबलैल ने क्या हालत कर रखी है इसकी, चेक करें। मोबलैल इसके ऊपर गिरता रहा, मोबलैल वाली सील जो होती है ना इसकी पोस्टर वाली वो लीक थी। और ये अंदर से चेक करें, कोयल ने भी सैड मारी हुई है। चले गए इसकी कोयल खोल के दिखाता हूँ आपको, इसकी कोयल की क्या हालत हुई हुई है अंदर से। ये चेक करें, ये इसकी कोयल है, ये कोला हुई पड़ी है, बिल्कुल ही सड़ी पड़ी है, जिसकी वजह से काम नहीं कर रही थी। सैड मारी हुई है कोयल ने ना, ये चेक करें कोयल। बस कर जिसकी वजह से ये काम नहीं कर रही थी। इसकी हम ये कोयल करेंगे न्यू तैयार। लाइट रहेगा मासी, ले गाइस इसकी करते हैं कोयल तैयार। ये इसका हमारे पास एक उसी के साथ का एक फर्मा पड़ा था हमारे पास अल्टीमेटम की कोयल का, तो हमने इसी को तैयार करने लगे हैं। करते हैं तैयार, रिपेयरिंग करते हैं। गाइस तार का जो गेज है ना वो है 22 नंबर, जिसे हम 22 नंबर ये तार लेंगे, उससे हम एक कोयल तैयार करेंगे। गाइस हमारी कोयल हो गई तैयार, मैं दिखाता हूँ आपको, ये हमारी कोयल हो गई है, मुकम्मल तैयार हो गई है। इसको लगाएंगे वार्निश वगैरह, फिर इसको करते हैं हम फिट। चलिए आगे ये वीडियो देखते हैं। ये गाइस हमारी कोयल हो गई तैयार, अब करते हैं फिटिंग इसको। ये हम कर रहे हैं इसको फिटिंग, इसका ऑटोमेटिक भी पुराने वाला लगाएंगे, कंघी को कड़ा छड़ा इसको करते हैं फिट। चलिए आपको दिखाते हैं। ये गाइस ये इलेक्ट्रीफायर वाली कंघी हमारी लग चुकी है, अब इसके लगाने हैं इलेक्ट्रीफायर मोती, इसको हम मोती बोलते हैं, बल्फ वाले ना, वो मोती लगा के इसको चेक करते हैं। ये हम टांके लगा दें इनके, एहतियात बरतना है अपना कि किसी हाथ वगैरह पर कविया ना लगे आपके। हमने इसकी कड़े वाले कनेक्शन कर दिए हैं, पूरे तारे लग गए हैं कड़े वाले कनेक्शनों पे। मैं तो नहीं जा रही हूँ ना, मैं तो नहीं जा रही हूँ ना, मैं तो नहीं जा रही हूँ ना।
ये गाइस हमारा कड़े क्या कनेक्शन हो गया है तैयार। चलिए करते हैं इसको फिट। जनरेटर को अब हमने करना है फिट। हमारा टूटर कोयल हो गई है तैयार, अब हम करते हैं इसको फिट। अब करते हैं इसका बूस्टर फिट, ब्रेक बूस्टर जिसमें मोबलाइल चलता है, जिसकी वजह से ये जनरेटर पूरा मोबलाइल से भरा हुआ था। इसकी हमने सील नवी डाल दी है, अब ये मोबलाइल लीक नहीं करेगा। अगर किसी पैंप से लीक करा हो तो वो अलग बात है, वैसे लीक नहीं करेगा, अंदर नहीं जाएगा मोबलाइल। सील डाल दिया ना। ये इसके ब्लेड हैं जो इसको चलाते हैं। ये गाइस हम मोबलाइल डाल रहे हैं इसमें, ये ब्लेडों में। ये हमारा हो गया जनरेटर तैयार। ये ताकि मोबलाइल चारों तरफ फैल जाए, इसलिए जरा मोबलाइल डाला है, ये सर्विस किया था। ये अब हम करते हैं चेक जनरेटर। ये हमारा हो गया तैयार, ये रस्सी से चेक कर रहे हैं हम। दरअसल पाकिस्तान में आपको पता है लोड शेडिंग का बहुत मसला चल रहा है, इसलिए लाइट नहीं थी, इसकी वजह से रस्सी से ये चेक कर रहे हैं। ये लाइट बंद की है इसने, ये हमारा जनरेटर काम कर रहा है। एक दफ़ा और चेक करते हैं हम इसको, इसको एक दफ़ा और चेक करते हैं, देखते हैं ये काम कर रहा है। ये काम बिल्कुल राइट कर रहा है। और गाइस लाइक कमेंट ज़रूर कर लें ताकि मज़ीद वीडियो मिलती रहें। ये देखो मशीन पर भी चेक किया मैंने, ये मशीन पर भी काम कर रहा है जनरेटर। ये गाइड हमारा जनरेटर हो गया तैयार। ओके, अल्लाह हाफिज़।